हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैं कुछ दिन पहले क्या बहुत दिन पहले यहाँ पे अरुण पवार से मिला था, अरुण पवार भाई से। तो वहाँ पे उनके साथ मैंने 4-5 ब्लॉग्स भी डाले थे उनकी। यहाँ पे मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उनको जाकर देख सकते हैं। हर गैराज वाली महक कपूर से भी मिला था, तो उनका भी वीडियो मिल जाएगा, ब्लॉग उनके साथ बनाया था जो। तो यहाँ पे उनके ऊपर यहाँ पे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, अरुण पवार से कैसे मिले, उनके मोबाइल नंबर, उनका यहाँ पे एड्रेस, उनसे कांटेक्ट कैसे होता है, उनके व्हाट्सएप नंबर वगैरह वगैरह, बहुत से कमेंट्स आए थे। उनका बिहेवियर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, और उन्होंने क्या i20 के रिव्यू करने के लिए पैसे लिए या क्या क्या, सारा बताऊंगा आज के वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो अरुण पवार भाई से मैं मिलने गया था यहाँ पे 2 दिसंबर को मिला था उनसे। और तो यहाँ पे मैंने जो जो क्वेश्चंस आए थे उनको लिख रखा है, तो यहाँ पे उदित भाई अब वो पूछेंगे एक एक करके और मैं बताता हूँ। पूछो तो। हाँ तो मिलिंद भैया, आपका पहला सवाल है, अरुण पवार से आप कैसे मिले? तो अरुण पवार से हमने कहीं जहीं जुगाड़ करके यहाँ पे उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनको बताया कि हम भी यूट्यूबर है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया। तो हमने बोला कि i20 का रिव्यू करवाना है आपसे। तो पहले तो हमने बोला कि हम जयपुर से हैं, तो वो बोले कि जयपुर तो आना नहीं हो सकता, तो हमने बोला कि हम आ जाएंगे। तो फिर वो मान गए कि आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, जब आपकी मर्जी हो आ जाओ। तो ऐसे उनसे मुलाकात हुई। अरुण पवार का एड्रेस? अरुण पवार भाई का यहाँ पे एड्रेस आप लोग जानते ही हो, गांव वगैरह का नाम तो आप लोग जानते ही हो, और बाकी प्रॉपर एड्रेस मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो आप लोग भी जानते हो कि प्रॉपर एड्रेस मैं अगर यहाँ पे बता दूंगा तो यहाँ पे उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनकी फैमिली है, लोग उनके घर पे जाएंगे और उनको परेशान करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ लोगों ने उनको परेशान किया घर पे जाके, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको उनसे रिव्यू करवाना है तो आप मेरे पास आ जाओ पहले, मेरे से करवा लो रिव्यू कार का, आपके चाहने और वालों मेरे ने पास आने के बाद मैं दे दूंगा उनके नंबर आपको। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, अरुण पवार से कांटेक्ट कैसे हुआ? कांटेक्ट तो यहाँ पे दूसरे जो छोटे मोटे यूट्यूबर जो भी उनसे मिलने गए थे, तो यहाँ पे छोटी ट्रेन आ रही है, पहले वो देख लो। लोकेशन शानदार है मिलिंद भैया आपकी। लोकेशन एकदम शानदार है, देख सकते हैं कितनी बढ़िया सड़कें हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया था कि लोकेशन कैसी है, तो लोकेशन देख सकते हैं बिल्कुल खाली जगह है ये, यहाँ पे चौमो में है, और यहाँ पे आप सड़क पे सो भी सकते हैं, वो देख सकते हैं वहाँ पे, ऐसे यहाँ पे गद्दा लगा के सो सकते हैं। सड़क पे ही सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिवाइडर पे सोएंगे तो आपको पता है कि सलमान खान सत्तू भाई आ सकते हैं, तो सड़क पर सलमान सोना सेफ रहता है। डिवाइडर पर तो सोना अगला क्वेश्चन पूछो आप। सड़क पर। सॉरी, आपके चाहने वालों ने तीसरा क्वेश्चन पूछा है, अरुण पवार से कांटेक्ट कैसे हुआ? हाँ, तो अरुण पवार से तो यहाँ पे जो छोटे मोटे जो कि हमारे लेवल के यूट्यूबर्स थे, जो उनसे मिलने गए थे, उनसे यहाँ पे बातचीत हुई हमारी। तो वो कैसे मिलने गए थे, वैसे ही हमने कांटेक्ट किया, क्योंकि अरुण भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम पर हम मैसेज करते हैं, तो उनके वैसे भी 1 लाख फॉलोअर है इंस्टाग्राम पर, डेली उनको बहुत से मैसेज जाते हैं, तो हमारा मैसेज क्या है ना, नीचे चला जाता है, दब जाता है, तो वैसे बातचीत नहीं हो सकती वहाँ, वो मैसेज छीन नहीं कर सकते। और अगर आपको अरुण पवार भाई से यहाँ पे बातचीत करनी है, तो सीधा सरल तरीका ये है कि अरुण पवार भाई को जितनी भी स्टोरीज में मेंशन किया जाता है, वो सारी स्टोरीज वो देखते हैं। मैंने अब तक जितनी भी स्टोरीज में उनको मेंशन किया स्टोरी पे, यहाँ पे इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जितनी भी स्टोरीज में मेंशन किया, वो सब उनको वो देखते हैं, आकाश भाई भी देखते हैं, अरुण भाई भी देखते हैं। तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज मेंशन करके वहाँ पे अपना दे सकते हैं, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। चौथा सवाल ये पूछा है आपके चाहने वालों ने, अरुण पवार के मोबाइल नंबर अरुण चाहिए भाई उनको। के मोबाइल नंबर तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो आप लोगों को पता है ही। पांचवा सवाल है, अरुण पवार ने i20 के रिव्यू करने के लिए पैसे लिए थे क्या आपसे? ये बहुत ज़्यादा सवाल है कि अरुण पवार भाई से हम यहाँ पे रिव्यू करवाने जाते हैं, उन्होंने हमारी कार का रिव्यू किया, तो क्या हमको पैसे देंगे, क्योंकि हमने अपनी कार ले गए, हम इतनी दूर गए, तो क्या वो हमसे पैसे लेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब भाई भाई की बात है। जैसे कि आपकी कोई यहाँ पे जानकार है, दोस्त है, यार वगैरह है, तो वो अगर आपके पास वीडियो बनाने आएंगे, तो क्या आप उनसे पैसे लेंगे? मैं अपनी मर्जी से गया था, तो मैं उनसे पैसे मांगूंगा क्या? और वैसे भी वो किसी भी कार का वीडियो बनाने के लिए
पैसे वगैरह नहीं लेते हैं और ना ही पैसे देते हैं। आपके i20 का रिव्यू कब आएगा अरुण पवार के चैनल पर? i20 का रिव्यू तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि अरुण पवार भाई है, आप लोगों को तो पता है ही कि उनका यहाँ पे स्टॉक कितना ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो 6-6 महीने पुराने वीडियोज अब अपलोड कर रहे हैं तो कैसे बता सकते हैं। ये सही है आपका, यहाँ पे अभी तो 1 महीना और इतने 10 दिन हुए है, तो अभी हो सकता है कि 4-5 महीने भी लग जाए, हो सकता है कि 2 दिन बाद ही आ जाए। स्टॉक ज़्यादा रहता है ना उनके पास। तो अगर अरुण भाई आप वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा जल्दी डाल दो। और ऐसे बताइए अरुण पवार का स्वभाव कैसा लगा आपको, कैसा स्वभाव था उनका? स्वभाव एकदम बढ़िया है, और जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, मैं बहुत से यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो कि यहाँ पे जिनमें ईगो होता है, जैसे कि अगर उनमें 5-7 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद वो यहाँ पे लोग कोई मिलने आते हैं तो उनके साथ ब्लॉग भी नहीं बनाने देते और उनसे यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, अगर कोई उनके पास जाए और ब्लॉग बनाए तो उनके क्लिप को भी डिलीट करवा देते हैं। अभी मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी यूट्यूबर का, लेकिन ऐसा बहुत से यूट्यूबर करते हैं। लेकिन जब मैं अरुण भाई से मिला, तब से यहाँ पे जितनी देर अरुण भाई के पास रहा, कैमरा हमारा ऑन था, लगभग 1-1.5 घंटे की क्लिप बन गई थी। आकाश भाई उसको काट काट के कम किया आपने, काट काट के कम करके 4-5 ब्लॉग बनाए। तो अरुण भाई और आकाश भाई का स्वभाव आज तक मैंने जितने भी यूट्यूबर्स देखे उनमें सबसे अच्छा था। तो आप गए थे वहाँ पे उनसे मिलने? हाँ, उनसे मिलने गए थे हमें स्पेशल i20 का रिव्यू करवाने के लिए, और अभी कभी टाइम मिलेगा तो उनकी किया सेल्टोस का और यहाँ पे उनकी ब्लेनो का भी रिव्यू लेंगे उनसे। और अरुण भाई ने हमारे जो वीडियो फर्स्ट ब्लॉग था उनके ऊपर कमेंट भी किया था, आप जाकर देख सकते हैं। क्या बात है। तो आप उनसे मिलने के बाद आपके सब्सक्राइबर, आपके चाहने वाले बढ़े क्या कुछ? अभी जो मेरी सब्सक्राइबर है वही देख रहे हैं वीडियो, तो अभी वो अपने चैनल पर डालेंगे तो शायद जान सकते हैं उनके सब्सक्राइबर भी मेरे को। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कितने दिन में आता है ब्लॉग, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं डेली 9 बजे, आप भी करो इंतजार। 9 बजे डालते हैं ना अरुण पवार भाई, डालते हैं 9 बजे। तो यही था आज का वीडियो, बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे 95% लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो अगर आप डेली यहाँ पे वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। और अगर ढेर सारे और भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मिलिंद भैया से पूछ सकते हो। हाँ, आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर मेरे पास आप अपनी कार का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई मिलेगा और इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, आप जरूर रिप्लाई मिलेगा। अगर आप जयपुर के आसपास हो तो आ सकते हो, दूर से तो क्या ही आना इतनी दूर, हम आ जाएंगे आपसे मिलने, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज कर सकते हो हमें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।